Hello friends and welcome to my YouTube channel. Today we're going to be talking about basic rally setup in an X-Pulse. So this is an X-Pulse 4V which I have, and in this bike I'm going to tell you what all modifications I have carried out apart from the regular rally kit modifications. What are the various things I've done ताकि आप इस बाइक को ऑफरोडिंग के लिए रैलीज और रेस में यूज देखेंगे. कुछ और चीज़ें सेफ्टी एस्पेक्ट्स, दो चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, हेलमेट, राइडिंग हेलमेट, गॉगल्स और ग्लव्स. सेटअप के साथ साथ हम एक और एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे, कैसे हम अपने सर को हेलमेट से, अपनी आंखों को गॉगल से और अपने हाथों को ग्लव्स से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट हमें यूज़ करने चाहिए, उसके बारे में हम जाएंगे. तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले बाइक की की, इस की के अंदर एक क्लिप लगा हुआ है, और हो सके तो आप जब आप जो भी की चेन यूज़ करते हैं उसमें अपना नाम या कोई आइडेंटिफिकेशन या अपना फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, उस तरह का क्लिप कर सकते हैं ताकि आप राइड करने के बाद आसानी से उस चाबी को क्लिप कर सकें ताकि वो कहीं खोए ना. उसको गले में एक स्ट्रैप के जरिए भी पहन सकते हैं, वो भी एक तरीका है उसको रीइंफोर्स करने का ताकि खोए ना. दूसरी चीज़ है ये रियर मिरर, ये सब इसका फोल्डिंग कोलैप्सिबल रियर मिरर है, जिसको करना अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और यूज़ करने के टाइम उसको आप ऊपर उठा के यूज़ कर सकते हैं. तीसरी चीज़ है ये है क्रॉसबार गार्ड या हैंडल गार्ड, जो आपके चेस्ट और फेस के प्रोटेक्शन के लिए होता है. जब आप बाइक राइड करते हैं और आप फॉल होता है, हाई सेंटर होता है, किसी भी तरह का क्रैश होता है, तो आपकी चेस्ट और फेस के ऊपर ये जो क्रॉस बार है ये चोट ना पहुंचा सके. नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हैंड गार्ड्स, यानी कि नकल गार्ड्स. नकल गार्ड जब आप लगाएं तो अच्छी क्वालिटी के नकल गार्ड लगाएं. जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने ये बाग बस्टर्स के नकल गार्ड यूज़ करे हैं. नकल गार्ड लगाने का जो दो तीन पॉइंट्स हैं, मेन चीज़ ये है कि आपके हाथ उसके पीछे आने के लिए, और साथ ही जो लेवर है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो लेवर है, ये जो क्लच का लेवर है और जो ब्रेक का लेवर है, ये प्रोटेक्ट होना चाहिए. अगर बाइक गिरती भी है तो ये लेवर आपके टूटने नहीं चाहिए. नेक्स्ट चीज़ जो है, पाँचवीं चीज़ है, वो है ग्रिप्स. ग्रिप हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए, इवन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सॉफ्ट होने चाहिए, कुशी होने चाहिए, ताकि आपके हाथों के अंदर ब्लिस्टर ना पड़े और आप लंबे डिस्टेंस के ऊपर बाइक को चला सकें बिना थके हुए. अगला पार्ट है इस तरह की केबल राउटिंग. ये मैंने केबल राउटिंग कर रखी है क्लच में, और साथ ही इस तरीके से मैंने करी हुई है ये हैंड ब्रेक के साथ, ताकि अगर बाय चांस केबल स्नैप होते हैं तो आप इमीडिएटली इसको ऊपर से और नीचे से चेंज कर सकते हैं और फटाफट उसको बाइक को यूज में ला सकते हैं बिना किसी रुकावट के. नेक्स्ट चीज़ जो है ये जो नंबर प्लेट है, ये नॉर्मली जब लगती है तो इस तरीके से होती है. ये झाड़ियों में या जब आप डिफ़िकल्ट टेरेन में मनूवर कर रहे होते हैं गिरने से टूट सकती है, तो हमने इसको मोड़ दिया है ताकि नंबर प्लेट अपनी जगह भी रहे और साथ ही में किसी तरह का इसको नुकसान ना हो पाए. अगली चीज़ जो है, ये वैसे तो रैली किट के साथ ही आते हैं टायर, ये मैक्सिस के टायर हैं. इसमें देखने वाली ये बात ये है कि नॉबीज जो है आपकी या नॉब्स जो है वो मेंटेन रहने चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा घिस गए हैं तो आपको उसको चेंज करना चाहिए. आगे पीछे मैक्सिस के नॉब्स चले हैं. ये जो शिफ्टिंग पेडल है गियर का, ये मैंने लंबा डाला हुआ है ताकि मेरी जो गियर शिफ्टिंग है मेरे पाँव के हिसाब से कन्वीनियंटली हो जाए और मुझे पाँव को पीछे शिफ्ट ना करना पड़े जब मैं राइड कर रहा हूँ. तो मैं जो मेरे राइडिंग बूट के हिसाब से ये बने हुए हैं, डिज़ाइंड है. और ये कहाँ से मिले, इसके लिए मैं आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से इसको मंगवा सकते हैं. तो ये था जो सेटअप था इस साइड का. लास्ट में ये जो टेल है, इस टेल के अंदर से मैंने जो टेल का टेल टाइडी है उसको हटा दिया है, सिर्फ इस पोर्शन को रखा है और इसके ऊपर नंबर प्लेट को लगा दिया. ऑल तो ये लीगल नहीं है इस तरह की नंबर प्लेट, क्योंकि बट लेकिन हमारे पास क्योंकि आगे की नंबर प्लेट है तो मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ कॉम्पनसेशन है. बाकी ये स्टिकर है, और जब हम रैली रेस के अंदर जाते हैं तो हम रोड पर राइड नहीं करते तो हम इससे काम चलाते हैं. बट मैं फिर बताता हूँ कि ये इस तरह का स्टिकर लगा के राइड करना एक लीगल एस्पेक्ट, एक नूरी फ्यूमी का एक फर्स्ट कॉपी डिज़ाइन है, जिसका दोबारा से मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको उसका साउंड एक बार सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए.
आते हैं हम फुट पैक्स पे। ये जो फुट पैक्स हैं ये KTM के हैं, KTM 390 एडवेंचर के, और इसका ग्रिप अच्छा है, इसके टीथ काफ़ी अच्छे हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर फुट पैक भी यूज़ कर सकते हैं तो उसका रबर हमेशा उतार लेना चाहिए ताकि जो टीथ है उसके अंदर आपकी फुट होल्ड स्ट्रांग हो सके। अगला पार्ट जो है वो है सब गार्ड, या इसको कुछ लोग इंजन गार्ड भी बोलते हैं। ये इंजन गार्ड है, ये भी डिज़ाइन किया हुआ है स्पेशली इस बाइक के लिए, क्योंकि फोर वॉल्व के अंदर जो एग्जॉस्ट होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है यहाँ से उसका कैटलिटिक कन्वर्टर, इसलिए वो आगे तक होता है। तो क्योंकि हमने इसका एग्जॉस्ट चेंज करा है, बैंड पाइप चेंज किया हुआ है, हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको भी चेंज किया। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपनी बाइक को, हाँ एक चीज़ और जो इसके ट्रैफिक हिटर्स हैं या इंडिकेटर्स हैं, ये KTM के डले में जो थोड़े से ज़्यादा स्टडी और अच्छे भी लगते हैं, तो इन सब चीज़ों के साथ आप अपनी बाइक को ट्रेल्स में या रैली रेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाइक सेटअप देख लेने के बाद हम अगला चलते हैं सेफ्टी गियर। आज हम, जैसे मैंने कहा, तीन सेफ्टी गियर यूज़ करें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है ये हेलमेट, यानी कि आपका हेड गियर, यानी कि हेड सेफ्टी। तो ये आयरो का हेलमेट है, स्ट्राइकर रेंज का, और काफ़ी लाइट हेलमेट है। तो मैं एक बार पहन के दिखा देता हूँ कि हम ये इस तरीके के हेलमेट क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो इसका आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है राइट लेफ्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इस हेलमेट को प्रेफर करते हैं। सेकेंडली इसके ऊपर पीक होती है, तो सामने से आने वाली धूप है उससे आप बचाव कर सकते हैं। प्लस क्योंकि इसका जो ओपनिंग है वो बड़ी है, तो आपको जब आप हाई इंटेंसिटी मोटरसाइकिलिंग करते हैं तो आप इतना ज़्यादा प्रेस्पायर जो करेंगे तो वो जल्दी सूख जाता है। इसके अंदर ये डी रिंग लॉकिंग मैकेनिज्म दिया है। इसको हमेशा जब भी आप हेलमेट पहने, हेलमेट का स्ट्रैप खोल के चलाने डेंजरस हो सकता है, हुआ भी है बहुत सारे लोगों के साथ, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमेशा हेलमेट को स्ट्रैप अप करके रखें, हेलमेट को साफ सुथरा रखें, हर राइड के बाद उसको क्लीन करें, और जो अंदर पैडिंग है उसको भी निकाल के आप ड्राई क्लीन या मशीन वॉश कर सकते हैं। साथ ही जो वेंट्स हैं इसकी भी क्लीनिंग करना ज़रूरी है। जितना आप अपने हेलमेट का ख्याल रखेंगे ये भी आपका उतना ही ज़्यादा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट हम आते हैं गॉगल्स पे। ये 100% कंपनी के गॉगल्स हैं, राइडिंग गॉगल्स। मैं आपको एक बार पहन के दिखा देता हूँ। हेलमेट, सबसे पहले हेलमेट पहने, हेलमेट पहनने के बाद उसको स्ट्रैप करें। स्ट्रैप करने के बाद आप अपना गॉगल्स दें, सबसे पहले उसको आगे से फिट करें, आगे से पहने और उसके बाद पीछे से स्ट्रैप को कराएं इस तरीके से, और विजिबिलिटी चेक कर लें बाइक चलाने से पहले या राइड करने से पहले, और देख लें कि आपका गॉगल्स जो है वो ठीक से सेट हो गई है और आपकी विजिबिलिटी क्लियर है। जब आप इसको उतारें, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग हेलमेट के साथ ही गॉगल्स को उतारते हैं, जिससे आपका जो माउथ पीस है वो भी ख़राब होता है, ये जो बॉक्स है ये एरिया है, और प्लस जो उसकी फोम लाइनिंग है वो भी ख़राब होती है। तो सबसे जो उसको सही तरीका है वो ये है, सबसे पहले आप अपने गॉगल्स को उतारें, और गॉगल्स को उतारने के बाद हेलमेट को लूज़ करें, खोलें फिर स्ट्रैप को, और उसके बाद पीछे से उठाएं और फिर हेलमेट को। लास्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे ग्लव्स की। ग्लव्स बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ऑफरोडिंग के लिए और रैली राइडिंग के लिए हम नॉर्मली इस तरह के ग्लव्स यूज़ करते हैं। ये नकल प्रोटेक्शन के साथ हैं ग्लव्स, जिसके अंदर नकल प्रोटेक्शन दिया है। ये स्कॉट की ब्रांड है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग है, पैडिंग है, फिंगर ग्रिप्स हैं, और लेदर है जो क्विक ड्राइंग भी है और साथ में आपको प्रोटेक्शन भी देता है। ये बहुत अच्छे ग्लव्स हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कई रैलीज़ के अंदर FMSCI यानी कि जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो परमिट नहीं करती है इस तरह के ग्लव्स, क्योंकि इसके अंदर कोई स्टडी नकल प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, मोटो क्रॉस के लिए ये ग्लव्स प्रेफर्ड हैं। ये फॉक्स के ओरिजिनल मोटो क्रॉस ग्लव्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लव्स में भी आप हमेशा राइट साइज़ के ग्लव्स लें और प्रॉपर जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके हिसाब से खरीदें। ना ही आपका ग्लव बड़ा होना चाहिए, ना ही छोटा होना चाहिए। अगर ग्लव टाइट होगा तो आपके फिंगर टिप दर्द दर्द को दुखेंगे, और अगर लूज होगा तो आप अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कोई और भी चीज़ जानना चाहते हैं, कि कोई आपकी क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मोटरसाइकिलिंग से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या क्वेश्चन, या आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
हम लोग गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं और अगर आप यहाँ आना चाहें तो हमारे साथ राइड भी कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको और लोगों के साथ भी शेयर करिए, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एक लगता है कि हमें कुछ और बनाना है, कुछ और काम करना है और इस तरीके से हम भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दे सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ एंड राइड हार्ड। थैंक यू।